नमस्कार दोस्तों, आज मैं आचार्य रविंद्र फिर से आपके साथ हूं। एक बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा है कि गुरुजी दक्षिण दिशा में अगर द्वार है तो उसका क्या उपचार हो सकता है। डायरेक्ट वीडियो पर समझें कि दक्षिण दिशा जो है अग्नि तत्व से प्रभावित होता है या पृथ्वी तत्व से प्रभावित होता है, और इसके देवता मुख जो यम है, और यम जो है मृत्यु के देवता है। ग्रह जो है, तीन ग्रह इसमें काम करते हैं। पहला शुक्र है, दूसरा मंगल है और तीसरा राहु है। तो आप समझिए, जिस क्षेत्र में भी आपका द्वार है, या तो शुक्र के क्षेत्र में है। शुक्र का क्षेत्र कौन सा होता है? शुक्र का क्षेत्र होता है अग्नि कोण का क्षेत्र। मंगल का क्षेत्र कौन होता है? मंगल का क्षेत्र होता है सेंटर साउथ, और जो राहु का क्षेत्र होता है वह नैऋत्य कोण होता है। इस दीवार पे अर्थात 135 डिग्री से 225 डिग्री के बीच में केवल एक पद आता है, चौथा पद। पद कैसे? अग्नि कोण से नैऋत्य की तरफ 9 भाग कर दें तो चौथा पद जो आता है उसी में मुख्य द्वार बनता है, और किसी भी पद में बना हुआ है तो मुख्य द्वार उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो हम करें क्या? सबसे पहली बात है, मुख्य द्वार जो होना चाहिए आपका कैसा होना चाहिए, इस ढंग से आप उसको जो है सुनिर्माण करें या इस ढंग से मैनेज करें। कैसा? जो अंदर के सारे द्वार हैं उससे आधा फीट ही ज्यादा द्वार होना चाहिए। द्वार का अनुपात है 1/2, अर्थात 3 फीट/6 फीट/4 फीट, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो इससे बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। इस ढंग से जो भी आप कर सकते हैं वह सबसे पहले करें। दूसरा, उस क्षेत्र में दरवाजे से लगा हुआ को खिड़की नहीं रखें, क्योंकि खिड़की इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। तीसरा, जब भी दरवाजा अगर किसी पद में बना रहे हैं तो वह मोटी दीवार पर बनाएं। चौथा, उसका चौकट जो है चारों चौकट लें, और चारों चौकट जो भी लें वो बहुत अच्छा होना चाहिए और खूबसूरत होना चाहिए। और पांचवा जो है, सो आप अगर चाहें तो 2 पल्ले का द्वार ले सकते हैं। जब भी आने जाने के लिए केवल 1 पल्ला को खोलें, और वह पल्ला ही तोरण से, शुभ मांगलिक चित्रों से, चिन्हों से, कलर, जैसे यहाँ पर पीला या रेड कलर ही रखना है, ग्रेनाइट भी ऐसा ही लगाना है, ग्रेनाइट भी ब्लैक कलर इत्यादि नहीं देना है, नीले कलर का कोई भी टाइल्स नहीं लगाना है, कलर भी यहाँ का जो पूरा क्षेत्र का होना चाहिए वह ब्लैक और नीला नहीं हो। तो ये सारे चीज़ करते हैं तो ये प्राथमिक उपचार कहा जाता है। प्राथमिक उपचार में ही आपका ये कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद का जो स्थिति है उस चीज़ समझे कि दरवाजे की अगर मान रखिए कि शुक्र के क्षेत्र में है तो अंदर बाहर 4 इंची का एक टाइल्स लगवा दें चौकट के अंदर बाहर, तो कंट्रोल होगा। और इसके चारों तरफ कॉपर का 1 इंच का जो है सो एक पट्टी लगा दें, वायर लगा दें, तो कंट्रोल होगा। 3 ऊपर और 3 नीचे जो है सो इसमें जो है सो आपको पिरामिड रिचार्ज करके लगा दें, और ये पिरामिड का कलर जो होना चाहिए पीला कलर हो, द बेस्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। सामने किसी भी क्षेत्र में रहे, द्वार से 3 गुना 4 गुना दूरी पर गमले में ही भले एक नीम का झाड़ लगा दें तो बहुत अच्छा ये सारे रिजल्ट देंगे। दरवाजा के सामने कोई खंभा ना हो, क्योंकि वह दूसरा दोष उत्पन्न करने लगता है। कोई झाड़ इत्यादि नहीं हो, सूखा झाड़ नहीं हो, गड्ढा नहीं हो, पानी का जगह नहीं हो, तो ये सब चीज़ अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो दक्षिण का द्वार भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अर्थात अगर वह न्यूट्रल स्थिति में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं तो बहुत ज़्यादा आपकी क्षति नहीं करेगा, हानि नहीं करेगा, या आपके लिए घातक नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है, और इसे अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, आपके जनमानस कल्याण के लिए है। तो निश्चित रूप से आप इसका उपयोग करें और अपने मित्र मंडली में भी भेजें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।